बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा HEC अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फेज टू के बारे में। इसके बारे में मजीद डिटेल्स कम्प्लीटली आपको बताऊंगा कि इसके के लिए आपने क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हैं वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा के सारी की सारी इसके बारे में डिटेल आपको अप्लाई कैसे करना है वो सारी की सारी आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन के बारे में देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन है जी, ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन सी है। HEC की तरफ से ये दी जाएगी आपको। तो HEC एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फेज टू इसका नाम है, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी, इसमें यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं जो कि आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। इसमें पाकिस्तान, थ्रू आउट पाकिस्तान बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका लिंक मैं आपको आगे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट इसमें मल्टीपल हैं बहुत सारी, उसकी भी वाइड वैरायटी है, वो भी आपको आगे मैं बता दूंगा कौन कौन से अप्लाई करने के लिए मौजूद हैं हमारे पास डिपार्टमेंट के, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स लेवल इसका है जी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज। अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे जो ऐसे बच्चे जो कि अभी लेटेस्ट ही इनरोल हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है जी। और या फिर जिन्होंने एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अवार्ड है जी इसका कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी आपको। तकरीबन जो आपकी टोटल फीस होगी वो जो आप पे करते हैं यूनिवर्सिटी को अपनी को, वो सारी की सारी रिफंड होती जाया करेगी। एक्सेस मोड है इसका अप्लाई करने का ऑनलाइन, आपने घर बैठ के अप्लाई करना है, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, किसी से के थ्रू अप्लाई नहीं करवाना, कुछ भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी नेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ही रह के बंदा इसको अवार्ड को यानी कि हासिल कर सकता है। द अवार्ड कैन बी टेकन इन द पाकिस्तान ओनली। एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है जी 7 सितंबर 2020 से, और लास्ट डेट इसकी है अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 30 अक्टूबर 2020, यानी कि आपके पास अभी काफी टाइम मौजूद है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, कि कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो मतलब इसमें अप्लाई करना चाहता है, जो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनमें ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत ये चीजें होनी चाहिए, जैसा कि स्टूडेंट्स मस्ट न्यूली एडमिटेड इन पाकिस्तानी HEC रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी। एक तो ये है कि स्टूडेंट जो है न्यूली एडमिशन वाला होना चाहिए, जिसने अभी अभी ताजा ताजा एडमिशन लिया हो या फर्स्ट सेमेस्टर वाला बचा हो, ठीक है जी, पाकिस्तानी HEC रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी के अंदर। यानी कि HEC जिन यूनिवर्सिटीज को रेकोगनाइज करता है, HEC की वेबसाइट पे जाके आप लिस्ट चेक कर सकते हैं HEC रेकोगनाइज यूनिवर्सिटीज की, वो उसमें आप जिस यूनिवर्सिटी का नाम आता है सिर्फ उसके ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन मस्ट बी ऑन मेरिट बेसिस। ये है कि आपका एडमिशन प्राइवेट नहीं होना चाहिए, मेरिट बेस पे होना चाहिए, आपके नंबर अच्छे हों, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। डिग्री प्रोग्राम, आप ऐसे डिग्री प्रोग्राम में पढ़ रहे हो जो कि HEC की तरफ से अलाउड है। कुछ ऐसी डिग्रीज भी हैं जो कि HEC अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनको करवा रही है, तो इसलिए वो वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एंड एज लिमिट इज द सेम एज द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन। एज लिमिट आपकी वही है जितनी है कि आपको एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में चाहिए होती है, ठीक है जी। तो अगर इन एलिजिबिलिटी की बात करें तो यानी कि ऐसे बच्चे जो कि हासिल नहीं कर सकते स्कॉलरशिप को, वो कौन कौन से हो सकते हैं जी। अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप और कंटिन्यूस ग्रांट, जिनके पास पहले से कोई उनको यानी कि स्कॉलरशिप कोई पहले से मिल रही है या फिर कंटिन्यूस ग्रांट कोई उनको मिलती आ रही है शुरू से, वो ये इसके लिए इन एलिजिबल होंगे। Enrolled in a distant learning programs and affiliated colleges. अब distant learning programs वाले भी इसमें apply नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा जितने भी affiliated colleges वगैरह हैं उनके बच्चे भी, बेशक वो public हों या private हों, वो apply करने के अहल नहीं है। Secured admission on the self-sustain, कि आपने self support पे, self finance basis पे अपने ही दम पे admission लिया हो, ठीक है जी। और इन इवनिंग प्रोग्राम्स विद हायर फी स्ट्रक्चर, और इवनिंग प्रोग्राम्स वाले जिनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है होती है, यानी कि आमतौर पर अमूमन यही होता है कि इवनिंग जो होता है ना प्रोग्राम्स, उनमें फीस स्ट्रक्चर उनकी फीस ज्यादा होती है, तो वो वाले बच्चे इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं है। अब कुछ यानी मैंने यूनिवर्सिटीज को आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे, जो कि सिर्फ पंजाब सेक्टर की मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, बाकी जो KPK हो गया, बाकी जितने भी हमारे इधर उधर हैं हमारे सूबे बाकी,
उधर के जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप यूनिवर्सिटी उनकी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है आपको ये एहसास प्रोग्राम स्कॉलरशिप। पंजाब सेक्टर में आप अगर बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी लाहौर है, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर है, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट ये भी प्रोवाइड कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर ITU जिसे कहते हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इसको प्रोवाइड कर रही है, किनड कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी RMU, ठीक है जी, ये भी क्या है उसके अलावा ये भी आपको यानी कि प्रोवाइड कर रही है ये वाली स्कॉलरशिप। उसके अलावा UVAS लाहौर ये भी प्रोवाइड करती है, और PFID लाहौर ये भी प्रोवाइड कर रही है, यानी कि उसके स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, फातिमा जिना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, UET टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, एंड फर्दर ऑन देखते हैं जी UET लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और एरिड एग्रीकल्चर रावलपिंडी, ठीक है जी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसी यूनिवर्सिटी वुमेन फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान, BZU मुल्तान, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान और MNS UET मुल्तान, इसी तरह MNS एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान, कंटिन्यू करते हैं जी, NFCEIT मुल्तान, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान ये भी इसके अंदर प्रोवाइडेड की गई है, IUB भावलपुर, GSCW यूनिवर्सिटी जो है भावलपुर की ये भी प्रोवाइड करती है, चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज भावलपुर ये भी प्रोवाइड करेंगे आपको ये स्कॉलरशिप, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमिया खान, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर। तो ये सारी की सारी तकरीबन 42-43 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं कि आप अगर इनके स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको अचीव कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप को। इंपॉर्टेंट URLs आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अप्लाई करना है इसके लिए डायरेक्टली, आपने इधर उधर किसी भी बंदे के पास नहीं जाना कि यार मुझे अप्लाई कर दो, आप खुद घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अगर बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और कंप्यूटर होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए sas.hec.government.pk/login इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं ओनली। और अगर आपने यूनिवर्सिटीज चेक करनी है कि यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी स्कॉलरशिप दे रही है पंजाब के अलावा, पंजाब की मैंने लिस्ट आपको सारी बता दी, और पंजाब के अलावा केपी के सिंध हो गया, बाकी जो बलोचिस्तान जितने भी आपके सूबे हैं वहाँ के बच्चे अगर अपनी 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 यूनिवर्सिटी चेक करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट www.hec.pk/english-service-students-ehsas-documents-ehsas-uni-list.pdf पे जाके आप चेक कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट चेक करते हैं जी, अब आपको देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहली बात है कि डॉक्यूमेंट्स आप के पास होना चाहिए आपका ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल की बजाय कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC या बेफाम, आपके पास CNIC का बेफाम का कॉपी होना चाहिए। इसी तरह अपने फादर मदर या गार्डियन का CNIC होना चाहिए, सैलरी स्लिप जिसे पे स्लिप भी कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट फादर गार्डियन या मदर का, अगर आपके फादर लेबर हैं डेली वेजेस पे हैं, शॉपकीपर हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, एक इनकम सर्टिफिकेट आपने एक अंडरटेकिंग लगा देना है, एक इनकम सर्टिफिकेट ऑन मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टैम्प पेपर ₹50 का, और उसके अलावा आपको क्या चाहिए होगा, कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ लास्ट 6 months यूटिलिटी बिल्स, यानी कि जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी गैस टेलीफोन और वाटर इफ एप्लीकेबल, तो ये सारे के सारे आपके लास्ट 6 months के बिल आ जाएंगे, और कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रेंटेड हाउस, अगर आप किसी रेंटेड हाउस में रह रहे हैं जो कि रेंट पे आप रह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कॉपी ऑफ रेंटेड एग्रीमेंट देंगे, कॉपी ऑफ लास्ट फी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेंट एंड सिबलिंग्स, आप अपनी और अपने बहन भाइयों की जो लास्ट आपने फीस किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल में या फिर कॉलेज में आपने यानी कि दी है उसकी आप एक कॉपी देंगे फीस रिसिप्ट की। उसके अलावा मेडिकल बिल्स या फिर एक्सपेंडिचर के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो अगर एप्लीकेबल हो तो वो देंगे, पासपोर्ट साइज एक फोटो अटैच करेंगे आप, और वन पिक्चर ऑफ हाउस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ फ्रंट, अपने घर के बाहर खड़े होकर एक पिक्चर लेंगे और वो भी इसके साथ अटैच होगी। तो
तो बेनिफिट्स इसके देख लेते हैं जी, बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि एसआर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप इज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप बाय एचईसी, एचईसी की तरफ से दी जा रही है एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसके साथ है, विच विल कवर यूनिवर्सिटी फी एज पर एक्चुअल फी एज पर एक्चुअल और एनुअल स्टाइपेंड। तकरीबन हर तकरीबन आपको पर सेमेस्टर की फीस या फिर आपको अगर सालाना फीस आती है तो वो सारी की सारी रिफंड कर दी जाएगी एचईसी और गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए देखते हैं जी कैसे करना है हमने अप्लाई। सिंपल सा इसके अंदर इसके लिए तरीका है, आपने कैसे अप्लाई करना है ये देखें। मैंने वो पहले ही इस पेज को खोल लिया हुआ है, sas.hec.government.pk login में आ जाएंगे आप। यहाँ पे जैसा कि मैंने तो आप पहले ही अप्लाई करने के लिए इसको साइनअप किया था, अगर आपने साइनअप नहीं किया हुआ तो आप यहाँ से साइनअप करेंगे, ठीक है जी। और अगर उसमें जाके एक मिनट देख लेते हैं कि साइनअप कैसे करेंगे। साइनअप आप करने के लिए क्या करेंगे जी, आप अपना प्लीज एंटर योर 13 डिजिट्स नादरा CNIC नंबर विदाउट डैशेस। डैशेस के बगैर जब आपने अपना CNIC देना है ना ये इस अकाउंट को बनाने के लिए, आपने अपना CNIC नंबर देना जो कि नादरा की तरफ से आपको दिया गया और डैशेस के बगैर देना है यहाँ पे। और इन द केस यू डू नॉट हैव नादरा CNIC, अगर आपके पास नादरा का CNIC नहीं है, अभी आप छोटे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बेफॉर्म अपना डैशेज के बगैर यहाँ पे देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है जी। जैसे कि मेरा नाम अली हैदर है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अली और यहाँ पे लिखूंगा लास्ट नेम में हैदर। नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए इसलिए पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके अलावा CNIC अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें CNIC आपका नंबर आ जाएगा, अगर आप बेफॉर्म देना चाहें तो यहाँ पे बेफॉर्म नंबर आ जाएगा सोम, ठीक है जी। और फिर आप एक पासवर्ड रखेंगे जिसको आप फिर कन्फर्म पासवर्ड करेंगे और यहाँ पर आपका फोन नंबर कि आप पाकिस्तानी हैं तो प्राइमरी सेल कंट्री, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी सेल फोन नंबर, यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख देंगे +92 के अकॉर्डिंग और यहाँ पे एक प्राइमरी ईमेल जो कि आपको आपकी जीमेल बनी हुई है वो आपको चाहिए होगी यहाँ पे। तो उसके बाद जब आप देखेंगे कि आपने हर चीज को फिलअप कर दिया है तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए साइन अप कर देंगे। जब आपका साइन अप हो जाएगा तो एक आपको प्राइमरी ईमेल जो आपने प्रोवाइड किया उस ईमेल पे आपके पास एक लिंक आएगा, जिस लिंक को आपने क्लिक करके अपना जो आपके पास ये अकाउंट होगा इसको एक्टिव कर लेना है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने हर चीज ये की हुई है तो पहले इस सिंपल मैंने इसमें देखें अपना साइन इन करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने अपना CNIC नंबर लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब जब इसको साइन इन करता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा खुलेगा, ये देखें जी आपके पास ये इस तरह स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएगी जहां पे आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने अप्लाई करने के लिए पहले भी एक वीडियो बनाने के लिए मैं इसको अप्लाई किया था तो उसमें मेरी एप्लीकेशन आईडी वगैरह शो हो रही है। अगर आप न्यू आईडी आप जब न्यू बनाएंगे तो आपके पास यहां पे एप्लीकेशन आईडी वगैरह में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है जी। तो अब आपने जब अप्लाई करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर SR स्कॉलरशिप प्रोग्राम ओपन टिल 30 अक्टूबर, जो कि 30 अक्टूबर तक ओपन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। जी तो कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पहले ओपन किया था इसलिए वो कह रहा है वेलकम बैक क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड विद फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन आपकी दफा ये नहीं आएगा, ठीक है जी। जैसे कि मैंने इसको फिल पहले थोड़ा सा किया हुआ है, इसमें अगर आप लड़के हैं यहाँ पे आपने फोटो अपनी अपलोड कर देनी है, ठीक है, आपका ईमेल और फोन नंबर वही जो आपने साइन क्रिएट अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया था वही यहाँ पे खुद ब खुद आ गया, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे मिसेज आ जाएगा, जो भी आपका टाइटल है मिस्टर डॉक्टर मिसेज इंजीनियर जो भी है आपका आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट नेम में आपका जैसे मैंने अली हैदर लिख दिया और मिडल नेम और अगर नहीं है तो कोई भी खाली छोड़ देंगे, लास्ट नेम में हैदर आ गया। अगर आपका नाम होता अली हैदर मुगल तो आप क्या करते, अली इधर लिखते, मिडल में हैदर लिखते और लास्ट नेम में मुगल लिख देते, ठीक है जी। तो उसके बाद जेंडर आप बताएंगे, जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल है या फिर अदर्स है। तो यहाँ पे आप मेल पे मैंने कर दिया जैसे, ठीक है जी। मैरिटल स्टेटस आपका सिंगल है, मैरिड है या फिर डाइवोर्स है और उसके अलावा विडोड है, तो इसमें से आपने सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद जैसे कि मैंने बायोजियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में देखा है तो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, वो डेट ऑफ बर्थ मैंने कोई भी दे दी, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ एज पूछेगा, मैंने यहाँ पे एज भी प्रोवाइड कर दी उसको। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, क्योंकि पाकिस्तानी आप हैं तो पाकिस्तान लिखेंगे इधर,
इस्लाम है हमारा रिलीजन तो इस्लाम लिखेंगे, अगर आप कोई और से रिलेटेड हैं तो आप हिंदुइज्म, अहमदी, क्रिश्चियनिटी और अदर्स आप क्लिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। डोमिसाइल आपका पंजाब का बना हुआ है तो पंजाब का, ठीक है, अगर कहीं और का तो वहाँ का लिख देंगे। डोमिसाइल सिटी आपकी कौन सी है, जैसे मेरी फैसलाबाद है तो मैंने फैसलाबाद पे क्लिक किया है, ठीक है। इसी तरह डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद आ गया जी फादर, फादर्स इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहा है। फादर्स इन्फॉर्मेशन जैसे कि मेरे पापा का नाम मोहम्मद लतीफ था तो मैंने वो फिलअप कर दिया। यहाँ पे CNIC नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं CNIC नंबर कुछ भी दे दूंगा। और इसी तरह उसके बाद वो कहता है कि फादर स्टेटस क्या है, अगर जिंदा है तो आप लिखेंगे अलाइव और डेथ हो चुकी है तो डिसीज, ठीक है जी। फर्दर चलते हैं आपके पास, फर्दर आपको पूछ रहा है कि आपका जो पोस्टल एड्रेस इंफॉर्मेशन है वो क्या चीज़ है, वो बताएंगे आप टाइप मेलिंग, और कंट्री आपकी पूछेगा पाकिस्तानी है, ठीक है जी, और सिटी फैसलाबाद है, डिस्ट्रिक्ट आपका फैसलाबाद, पोस्टल कोड फैसलाबाद का 38,000 होता है, और एड्रेस आप कोई भी मैं अपना जो जहाँ पे आप रह रहे हैं वो एड्रेस मेंशन कर देंगे, जैसे मैंने ये प्रोवाइड कर दिया। फिर नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने का CNIC नंबर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है विदाउट डैशेज दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आप ये CNIC और पाकिस्तान और नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे आप। जब आप नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास वो एजुकेशन पे आ जाएगा, आपने पहले पर्सनल डिटेल्स दे दी हैं, ठीक है, अब आ जाएगा वो एजुकेशन पे। तो एजुकेशन में आप क्या करेंगे, एकेडमिक इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप मैट्रिक के बारे में डिटेल्स देंगे, फिर इंटरमीडिएट के बारे में डिटेल्स देंगे, और फिर उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स देंगे, ठीक है जी, जिसमें आपने एडमिशन लिया है। तो आप सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की बात करें तो यानी कि मैट्रिक लेवल की बात करें तो इसमें आपका इंस्टीट्यूट पूछता है, तो इंस्टीट्यूट कोई भी जो भी हो आपका, जैसे कि मैंने कुछ भी लिख दिया, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल अपना एक्यूरेट परफॉर्म करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इस तरह। पासिंग ईयर आपका जो भी होगा मैंने 2014 लिख दिया, ठीक है, मंथली फीस मेरी 5,000 थी। तो उसके अलावा टोटल मार्क्स जो होते हैं आपकी डिग्री के वो 1100, और जितने अपडेट हैं जैसे मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है, तो इसने आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इनको फिल कर लेना है। इंटरमीडिएट के लिए अगर बात की जाए तो उसमें क्या है, इंस्टीट्यूट आप बताएंगे, जैसे मैंने इंस्टीट्यूट लिख दिया और उसका पासिंग ईयर लिख दिया, ठीक है जी, आप पासिंग ईयर चूज कर सकते हैं, उसकी मंथली फीस कितनी थी वो आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने 5500 लिखी हुई है। उसके अलावा टोटल मार्क्स उसके कितने होते हैं उस डिग्री के वो आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ऑब्टेंड मार्क्स आ जाएंगे तो उसमें जिस तरह मैंने 1050 लिख दिया वो आप अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग होंगे वो लिख देंगे। इसी तरह फिर जिस यूनिवर्सिटी यहाँ आपने एडमिशन फर्दर लिया है उसके बारे में आप बताएंगे। यहाँ से आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर लिख दिया। डिग्री लेवल आपका कौन सा है, अंडर ग्रेजुएट ही है। डिसिप्लिन में आप आ जाएंगे, आपका जो भी डिसिप्लिन है, मेडिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, बायोलॉजिकल साइंसेज, एग्रीकल्चर, मैंने एग्रीकल्चर लिख दिया, ठीक है, सब डिसिप्लिन आप बताएंगे, सब डिसिप्लिन कौन सा, एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, जो भी है उससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, तो जो भी होगा आप प्रोवाइड कर देंगे। आपकी ड्यूरेशन जो है प्रोग्राम की 4 ईयर्स हैं या 5 ईयर्स है, मैं 4 ईयर्स कर देता हूँ। सेमेस्टर आपका कौन सा है, सेमेस्टर आपके पास सेमेस्टर 1 होगा। तो जब सेमेस्टर 1 हो जाएगा तो क्या होगा, आप इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, जो कि आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगी फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन में आप जाके क्या करेंगे जी, एक मिनट जरा। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गार्डियन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन में, गार्डियन आपका कौन है। फादर की स्टेटस आप, जैसे कि मैंने पहले भी वहाँ पे लिखा था, डिसीज यानी कि डेथ हो चुकी है, अगर आपके अलाइव है तो आप यहाँ पे अलाइव आ जाएगा। तहसील आपकी कौन सी है, तहसील जैसा कि फैसलाबाद, तो यहाँ पे आप फैसलाबाद लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका फादर की डेथ डेट, यानी कि अगर डेथ हो चुकी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फादर डिमाइस डेट दे देंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद आपका आ जाएगा गार्डियन जो आपका होगा, फिर उसकी प्रोफेशनल स्टेटस, अर्निंग है तो उसके बाद, अगर अर्निंग है तो अगर वो गवर्नमेंट अर्न कर रहा है यानी कि, तो वहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉयर नेम, गार्डियन डेजिग्नेशन, उनका डेजिग्नेशन क्या है, NTN नंबर, और टैक्स कितना पे कर रहे हैं। उसके अलावा गार्डियन प्रोफेशन आप बताएंगे, बिजनेसमैन है, फार्मर है, लेबरर है, टेलरिंग कर रहा है, नॉट एप्लीकेबल, या फिर जो भी है आपका। तो उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस बताएंगे, एम्प्लॉयर का टेलीफोन नंबर बताएंगे, ऑफिस का टेलीफोन नंबर बताएंगे, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे
के फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन फादर इनकम, फादर के इनकम से के अलावा आपको कोई अगर सपोर्ट करता है तो आप, जैसे कि मैं सेल्फ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अगर इन द केस ऑफ नॉट अर्निंग तो नॉट अर्निंग पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, नॉट अर्निंग में आप क्या करेंगे, तो इफ नॉट अर्निंग देन, अगर अर्न नहीं कर रहे तो उसकी वजह क्या है, आपका गार्डियन या फिर फादर अगर अर्न नहीं कर रहे तो एज्ड हैं या रिटायर्ड हैं या फिर अदर, तो एज पे क्लिक कर दें अगर है तो, फिर मदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा मदर का, ठीक है जी, यहाँ पे उनका CNIC नंबर आ जाएगा, तो अगर वो अलाइव हैं या डेथ हो चुकी है, अलाइव वगैरह अगर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि वो हाउसवाइफ हैं या वर्किंग लेडी हैं, तो हाउसवाइफ अगर हो तो हाउसवाइफ कर देंगे आप, पेरेंट मदर रिलेशनशिप कंबाइंड रहते हैं कि सेपरेटेड हो गए हैं, तो यहाँ पे वो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में अपना CNIC नंबर का एक्सपायरी डेट आप बताएंगे कि आपका CNIC नंबर पे के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होगी वो क्या है, तो आप वो यहाँ पे बता देंगे, जैसे मैंने अपनी लिख दी। और इसी तरह फैमिली मेंबर इन्फॉर्मेशन कि आपके घर में टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं, जैसे कि अगर आप 8 लिख दें, ठीक है, अगर 8 हैं तो 8 जो भी होगा आपका। इसी तरह फिर टोटल अर्निंग मेंबर्स के कितने लोग कमा रहे हैं घर में से, अगर फादर ही कमा रहे हैं सिंपल तो 1 कर देंगे आप। आपके घर में भाई कितने हैं, तो अगर इन केस अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 7 भाई हैं और 7 के 7 भाई हैं, ठीक है। डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स 8 टोटल फैमिली मेंबर हैं तो 1 कमाने वाला, तो 7 डिपेंडेंट्स हो गए, ठीक है जी। स्टडीइंग फैमिली मेंबर्स कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो 7 के 7 ही, सॉरी इसको, ठीक है जी, हाँ तो 6 बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक आपकी मदर भी आ जाएंगी ना, ठीक है। तो सिस्टर आपकी अगर है तो 1 लिख दें, अगर नहीं है तो 0 लिख दें, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फैमिली इनकम, फैमिली इनकम के बारे में बताएंगे घर में कौन कमाता है, ऐड मोर करके आप यहाँ पे अर्निंग पर्सन का नेम लिखेंगे, ठीक है जी, उसका प्रोफेशन लिखेंगे जो भी होगा, सो ऑन। मैं सिर्फ तेजी तेजी से आपको समझाने के लिए जो गलत मलत अपनी इन्फॉर्मेशन लिखता जा रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल अकॉर्डिंग अपने घर वालों से पूछ के इस चीज़ को कम्प्लीट करना है, ठीक है। फाइनेंशियली सपोर्टिंग फैमिली, अगर आपको कोई और फैमिली सपोर्ट कर रही है तो उसके बारे में लिखेंगे येस, अगर नहीं कर रही तो नो। तो रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, आपके जो अर्निंग कर रहा है बंदा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, अगर वो आपका फादर है तो फादर लिख देंगे, सेल्फ है तो सेल्फ लिख देंगे, ब्रदर है जो भी है आप लिख देंगे। तो उसके बाद आ जाएगा जी ऐड मोर, अगर ऐड मोर करना हुआ तो कर लें, नहीं तो आप फर्दर आगे जा सकते हैं। इनकम सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसा कि अगर आपका कोई कैटल फार्म है तो उसके बारे में आप उसकी तरफ से सोर्स ऑफ इनकम अगर कोई आ रही है, आपने कोई हाउस रेंट दिया हुआ है उसके बारे में अगर आ रही है सोर्स ऑफ इनकम, तो जो भी है, अगर आपके लैंड ओन बिजनेस है, स्टॉक प्राइस बॉन्ड्स हैं, कैटल्स हैं, जो भी है, तो अगर आपके पास लैंड ओन बिजनेस है तो क्या है उसकी मंथली इनकम कितनी आ रही है जी, जैसे कि मैं अगर इस तरह लिख दूँ, ठीक है जी, कोई 25,000 लिख दिया मैंने, ईयरली इनकम कितनी बन जाएगी, तो वो तकरीबन वो खुद ब खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे चले जाना है, मेक श्योर ऑल मैंडेटरी फील्ड्स आर फिल्ड, देख लेते हैं जी क्या हमने नहीं फील्ड किया, सॉरी। हाँ तो यहाँ पे CNIC नंबर वो कह रहा है ठीक लिखें आप, तो जैसे कि अगर मैं CNIC नंबर मुझे याद नहीं है तो CNIC नंबर लिख के हम आगे मूव ऑन हो सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी आपको जैसे कि तेजी मदद कर गया हूँ काम थोड़ा सा, तो देख लेते हैं इसको भी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसको जब हमने कंप्लीट किया नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज आ गया हमारा एक्सपेंडिचर्स का, एक्सपेंडिचर्स में हमें क्या करना है, वो हमसे पूछेगा करंट मंथली एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स। आप यहाँ पे जितने आपके बहन भाई हैं उनके महाना खर्चा कितना हो रहा है उनकी पढ़ाई पे, वो सारा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी, ऐड करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, उनके आप और एप्लीकेंट वगैरह के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या लिखा है। अगर आप खुद अप्लाई पहला अपना लिख रहे हैं तो सेल्फ लिखेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा आपका, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट पब्लिक है या प्राइवेट है, पब्लिक है तो जो भी है, आपका सेमेस्टर कौन सा है, क्लास कौन सी है, अगर सेमेस्टर 1 है तो एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है उसके ऊपर जितना भी लिख दें, ठीक है। इसी तरह आपने बहन भाइयों का बाकियों का भी लिख देना आपने, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ये चीज़, इंस्टीट्यूट नेम, पब्लिक सेक्टर वगैरह, उनकी क्लास कौन सी है, उनकी फीस कितनी है, तो उस इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास वो टोटल बता रहा है कि आपका इतना महाना का खर्चा हो रहा है। अब वो कहता है सेल्फ एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स, अगर आप किसी हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं
तो वहाँ पे लॉजिंग चार्जेस कितने हैं, वो सारा कुछ आप टोटल करके पर मंथ एजुकेशन एक्सपेंडिचर अपना बताओगे कि मेरा कितना आ रहा है जी। तो आप जैसे कि मैं लिख दिया, तो उसके बाद वो कहते हैं मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर्स कितने हैं जी, एवरेज टेलीफोन और टेलीफोन या इंटरनेट बिल, आपका इंटरनेट या टेलीफोन का बिल आपने लास्ट 6 मंथ का देखना है, ठीक है। आपके पास जो बिल होगा उसके ऊपर एक पूरे साल का रिकॉर्ड होता है, आपने सिर्फ लास्ट 6 मंथ का आपस में सम ले लेना है, उनको आपस में जमा करेंगे और 6 पे डिवाइड कर देंगे, जो एवरेज सम आएगा ना उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह बिजली के बिल का पुराने 6 महीनों का आपने यहाँ पे सम अप करके उसको 6 पे डिवाइड करके यहाँ लिख देना है। इसी तरह गैस का आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ वैल्यूज, तो यहाँ पे आ जाएगा जो भी है हमारे पास, ये वैल्यूज मैं सिर्फ सिंपली फील्ड कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो। आपके पास मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये आपने अपने देख के कर लेनी है, ठीक है जी। बिल्स वगैरह, तो एवरेज मंथली मोबाइल बिल आपका जो मोबाइल रिचार्ज वगैरह होता है अगर पोस्ट पेड है तो उसके बारे में कितना आपका मंथली लग जाता है। तो उसके बाद आपका एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन किचन फूड, घर के खाने वगैरह पे कितना आपका तकरीबन आ जाता है खर्चा, तो वो चीज़ आप यहाँ पे फिट करेंगे। एवरेज फैमिली मेडिकल एक्सपेंडिचर, दवाइयों वगैरह पे कितना खर्चा आ जाता है, ठीक है जी। तो फैमिली, उसके अलावा मिस एक्सपेंडिचर यानी कि इसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपका एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं, तो यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद टोटल वो खुद ब खुद कर लेगा। अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है कि अगर आप अकोमोडेशन में रह रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल वगैरह में, तो अपार्टमेंट है, टाउन है, जो भी है, जो आपका जो घर का है, अपार्टमेंट फ्लैट है, जो भी है स्ट्रक्चर उसका क्या है, कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है, सेमी पक्का हाउस है, तो उसके कर देंगे आप। स्टेटस उसका क्या है, आपका अपना है, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ओन है, फैमिली ओन है, जो भी है। तो नंबर ऑफ बेडरूम्स उसमें कितने हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स बताएंगे ना, टोटल उसका साइज कितना है स्क्वेयर फुट्स में वो आप जैसे बता देंगे। तो उसके बाद कवर्ड एरिया इन स्क्वेयर फुट्स, उसके बाद एरिया उसका बताएंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स कितने हैं, आपके घर में एयर कंडीशनर्स कितने हैं, अगर है तो 0, 1, 2, 3, 4 या अबव, या अगर नहीं है तो 0 कर देंगे आप उसको। नंबर ऑफ सर्वेंट्स आपके घर में अगर 1, 2 या 3, 4 या अबव अगर है तो जो भी है अगर 0 कर देंगे, नहीं है तो। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, ठीक है जी। नॉट रीयूजेबल इनकम, यहाँ पे आपकी डिटेल ये है कि आप उसने सारी कैलकुलेशन कर ली कि आपकी टोटल मंथली इनकम इतनी है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका खर्चा इतना हो रहा है, और जो आपका नुकसान हो रहा है यानी कि जो आपको इधर उधर से पकड़ के देना पड़ रहा है लोगों, वो इतना आपके पास आ रहा है, ठीक है जी, माइनस में। तो ये चीजें अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे उस गैप, ये जो गैप यहाँ पे आ गया इसके बारे में रीजंस दोगे कि हाँ यार हम इतने बहुत गरीब हैं, जो भी है, सारे जो बहन भाई हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि हमारे एक्सपेंडिचर पूरे हो सकें, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है आपके तो पर अमाउंट मंथ आपकी जो टोटली इनकम है वो कम होती है। अब सारा इसमें यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक किस्म का बना देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास कोई और अपना अकोमोडेशन है, कोई भी फ्लैट आपके ओन है, तो उसकी यहाँ पे आप क्या करेंगे, लोकेशन और साइज बता देंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद आ जाएंगे आप नेक्स्ट पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब जब आप नेक्स्ट आ जाएंगे तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसेट डिटेल्स आ गई, आपकी कंप्लीट हो गई, और आप आखिरी रह गया हमारा स्टेप अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आप देखेंगे डज फैमिली ओन एनी ट्रांसपोर्ट, अगर आपके घर वालों के पास कोई ट्रांसपोर्ट है यानी कि बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल या जो भी है, कार वगैरह अगर आपके पास है, अगर है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। आपके पास कोई कैटल वगैरह है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसी तरह एसेट्स की वर्थ बताएंगे, आपके जितना अपना अगर जितने भी हाउसेज हैं उनकी टोटल कितने टोटल आपके घर हैं, ठीक है, उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है आजकल, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके अलावा बिजनेस वगैरह आपके कोई हैं तो वो यहाँ आप लिखेंगे कितने हैं बिजनेस और उनकी टोटल वैल्यू कितनी है। लैंड एरियाज आपके पास कितने हैं, बैंक बैलेंस कितना है, स्टॉक प्राइस या प्लॉट्स या जो भी है आपका यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर आपने लीज पे कोई चीज है तो वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे आप। जब इसको स्पेसिफाई कर देंगे आपकी हर चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंप्लीट अप हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी एडमिशन डिटेल्स के बारे में पूछेगा, एडमिशन डिटेल्स के, हाउ ओवर द एडमिशन, आपका जो एडमिशन है
पहली दफा आपने लेना है वो फर्स्ट और करंट सेमेस्टर का चार्जेस पे आपने पहले कैसे किए हैं। अगर आपने इनके फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया तो आपने पहली दफा अपनी फीस कैसे दी है, आपने किसी से उधार पकड़ के लिया तो यहाँ पे वो ऐसे लिख देंगे हैव यू एवर बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर आपको पहले स्कॉलरशिप मिली है तो यस कर देंगे, अगर नहीं मिली तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में बताएंगे अपना सारा का सारा तकरीबन कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए, आप इसके एलिजिबल क्यों हो। ठीक है, तकरीबन 50 करेक्टर्स मिनिमम होंगे और उससे ज़्यादा आप खुद भी जितना मर्जी लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला, यानी कि स्कॉलरशिप के बारे में, अगर न्यूज़पेपर से पता चला है, बैनर से, ब्रोचर से, किसी दोस्त से, स्कॉलर ऑफ दिस प्रोग्राम से, या अदर से, जो भी है तो आप इसमें कर देंगे। तो उसके बाद आप आइए हेयर बाय अंडर दैट टेक दैट एंड अफेम दैट, ये इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास इसकी क्या हो जाए, अब घर बैठे ऑनलाइन आपके पास से ये चल आपकी जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद फर्दर आपसे HEC और गवर्नमेंट की तरफ से खुद ब खुद रब्ता किया जाएगा अगर आपका लिस्ट में नाम वगैरह हो तो। ठीक है जी, तो ये था आज का एप्लीकेशन का प्रोसेस कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। ज्यादा से ज्यादा इस पोस्ट को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि जिस बंदे को अगर नहीं भी करना आता वो इसको देख के अप्लाई कर ले। 50,000+ बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलनी है तो लाजमी तौर पर इसमें लोगों को चाहिए कि अप्लाई करें, ये ना हो कि कोई भी किसी कोई पैसों की कमी की वजह से पढ़ ना सके। तो लाजमी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करके लोगों तक लाजमी पहुंचा दीजिएगा। तो इसके अलावा अगर कुछ और आपने मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट्स करके लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो नई नई बनाता रहूँगा ताकि आप तक नई नई स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।